कि वॉइस पैनल आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है सेंड डॉट वॉइस कॉल गेटवे डॉट कॉम पर, तो आपको जिस तरीके की विंडो मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आप अपना अकाउंट साइनअप कर सकते हैं, और आप चाहें तो अपने अकाउंट मैनेजर से बात करके अकाउंट भी क्रिएट करवा सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है। तो मैंने ऑलरेडी अपने अकाउंट में लॉग इन कर लिया। जब आप लॉग इन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा मैसेज आ रहा है कि दिस सर्विस इज ओवरलोडेड, मतलब कुछ सर्वर लोड हो गए, जैसे ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो इसको इग्नोर करना, ठीक है। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन आएगा कंपोज, मतलब आपको जो भी वॉइस कॉल ट्रिगर करना है उसको कंपोज यहाँ पे कर सकते हैं। आपको रिपोर्ट्स यहाँ पे मिलेंगी, कैंपेन की जो भी इनवॉइसेज है वो यहाँ पे मिलेंगी। बेसिकली यहाँ पे काम करनी है और रिशेड्यूल करना है तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा जो भी आप वॉइस कॉल की जो कैंपेन की जो क्लिप होती है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप अपने सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स अपलोड करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप अपनी CLI देख सकते हैं कि कौन से नंबर से कॉल जा रहा है, कौन से आ रहा है। और इसके नीचे यहाँ पे आपको दिखेगा फ़ंड कि आपके पास कितना फ़ंड अवेलेबल है टू सेंड दी वॉइस कॉल, ओके। इसके अलावा अगर आप सेंटर, इस डैशबोर्ड के सेंटर में आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखता है कि कौन सा प्लान आपका चल रहा है वो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक्सटेंशन मिलते हैं कि किस तरीके के, मान के चलो किसी एक्सटेंशन पे आपको कोई इनपुट कैप्चर करना है कि सेल्स के लिए एक दबाए, सपोर्ट के लिए दो दबाए, तो वो इनपुट आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, वो एक्सटेंशन आप यहाँ इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप अपने सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स डाल सकते हैं, ठीक है, जो भी आप जिन भी नंबरों पर आपको मैसेजेस भेजने हैं वो। और यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप ग्रुप क्रिएट करके उस जो भी ग्रुप आपने क्रिएट किया है वो यहाँ पे देखिएगा, तो उसको चूज़ करना है। एंड देन आप यहाँ पे फाइल चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर नई फाइल अपलोड कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो ये सिंपल चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ रहा है रिट्राई स्टेटस ओनली फॉर द आंसर प्लान। अगर आपने आंसर वाला प्लान लेके रखा है तो आप ये रिट्राई कर सकते हैं। तो लेट से अगर कहीं पे कोई कंजेक्शन आता है तो आप एक या दो बार रिट्राई करा सकते हैं, फील्ड आता है तो दो से तीन बार रिट्राई करा सकते हैं, या फिर आप रिशेड्यूल कर सकते हैं 1 2 3 4 5 बार। अगर का आंसर इनमें से कुछ भी है, अगर आपकी जो जो भी रिपोर्ट्स आई हैं वॉइस कॉल की इनमें से लेट से फेल हो गया है कोई भी मैसेज, ठीक है, तो उस पर आप टिक करके उसको रिशेड्यूल कर सकते हैं। तो ये सब आपको यहाँ पे मिलता है। तो हम क्विकली कंपोज पे क्लिक करते हैं। क्विकली कंपोज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्लान चूज़ करना है, ओके। जो भी आपका प्लान है वो आपको चूज़ करना है। यहाँ पर आपको इसका, अगर आप कोई एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं, लेट्स से आपकी क्लिक में आप जो भी वॉइस क्लिप अपलोड कर रहे हैं उसमें आपको कुछ इनपुट कैप्चर करना है, एक पूरा मैसेज प्ले होता है, और उसके बाद लास्ट में आप एक इनपुट कैप्चर करना चाहते हैं कि प्रेस 1 फॉर सेल्स, प्रेस 2 फॉर सपोर्ट, और अगर आप इंटरेस्टेड है तो एक दबाएँ, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो दो दबाएँ। तो वो एक्सटेंशन आप यहाँ पर चूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम एक मैनुअल ट्राई करके देखते हैं, और मैं एक मेरा नंबर डालता हूँ 9630093260, ठीक है। इस तरीके से आपको मैसेज कंपोज करना है, और यहाँ पे जो भी आपकी फ़ाइल है वो आपको चूज़ करना है। तो जैसे कि ये हमारी SMS इंडिया की एक रेडियो ऐड चल रहा था, तो उसकी ये फ़ाइल बनी हुई है, और यहाँ पर आप उसको सेंड पे क्लिक करेंगे। और जैसे सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है यू नीड टू चूज़ द प्लान। तो हमने अभी तक प्लान चूज़ नहीं किया था, ये मैंने पर्पसली चूज़ नहीं किया था, तो आपको चूज़ करना है प्लान, कौन सा प्लान आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से आपको नंबर डालना है 93260 जो मेरा नंबर है, देन यू नीड टू चूज़ दी फाइल। अब जैसे आपको नई फाइल अपलोड करना है तो आप यहाँ पे जाके इस चूज़ फाइल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप फाइल अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप ओल्ड फाइल ले सकते हैं जो आपके सिस्टम में डली हुई है, ठीक है। तो मैंने ये ले लिया है एंड देन मैंने सेंड पे क्लिक कर दिया है, और जैसे मैंने सेंड पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये आ रहा है कि योर मैसेज हैज़ बीन क्यूट, क्यू हो चुका है, क्यू में चला गया है, और विद इन फ्यू सेकेंड या कुछ देर बाद मेरे पास ये कॉल लैंड करेगा, ठीक है। तो हम इसका लाइव स्टेटस भी देख सकते हैं। आप रिपोर्ट में जब जाएंगे तो यहाँ पर उस कॉल का जो स्टेटस है, मतलब इस कॉल पर कितने, इस कॉल के ऊपर कितने, लाइक ये जो कॉल आपने सेंड किया था या जो वॉइस कॉल सेंड किया था उसका क्या स्टेटस है, वो सब आपको दिखेगा। नया बिजनेस शुरू किया है, पूरे टाइम मोबाइल में ही तो आई थिंक आप लोगों को ये आवाज़ आ रही होगी। अपने कस्टमर को नए प्रोडक्ट्स और स्कीम के बारे में SMS जो भेजने पड़ते हैं। SMS ही करने हैं तो SMS इंडिया हब जाइए ना। ये क्या है SMS इंडिया हब, जहाँ से आप कर सकते हैं बल्क SMS, वॉइस SMS।
तो ये मैंने एक वॉइस कॉल ट्रिगर किया था। मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे जो मेरी कॉलिंग रिपोर्टिंग हो रही थी कुछ देर बाद ये कंप्लीट हो जाएगी और आपको इस तरीके की रिपोर्ट यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैंने अभी जस्ट कॉल डिसकनेक्ट किया था, ठीक है। और मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश जैसे ही करूँगा तो ये देखिए मेरे कितने 2 क्रेडिट यूज़ हुए, ठीक है। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी क्लिप अभी जस्ट कॉल मेरा डिस्कनेक्ट हुआ है, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे तो रिपोर्ट अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे प्लस पे जब क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं कि क्या मैसेज आपने भेजा था, उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। तो सर्च वॉइस रिपोर्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा कि आपने ये वाली वॉइस क्लिप ट्रिगर की थी एंड देन एक कॉन्टैक्ट पर ट्रिगर की थी, ठीक है। आपका जो पल्स रेट था वो 15 सेकेंड का पल्स रेट था, आपने 28 सेकेंड की क्लिप भेजी थी, तो आपको 2 वॉइस कॉल का चार्ज लगा है। अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। इस तरीके से आपको ये रिपोर्ट मिलती है। तो ये काफ़ी अच्छा पैनल है। अब आप देखिए कि ये मेरी जो कैंपेन थी वो कंप्लीट हो गई क्योंकि मैंने एक ही नंबर पे भेजी थी, ठीक है। इस तरीके से पूरा वॉइस पैनल काम करता है। तो इस तरीके से आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। आपको ग्रुप बनाना है तो आप यहाँ पर जाइए, व्यू लिस्ट पर चले जाइए। तो यहाँ पर अभी हमारा कुछ भी लाइक एक ग्रुप बना हुआ है ABC करके। अगर आप यहाँ जाएंगे, एड एंड अपलोड कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं ऐड अ कॉन्टैक्ट लिस्ट। तो आप पहले लिस्ट का नाम दे दो, ठीक है। नाम देने के बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट का आपको अपलोड करना है। तो जैसे अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही लिस्ट है ABC, और सिंपली आप नंबर डालेंगे एंड देन अपलोड कॉन्टैक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बल्क में इम्पोर्ट करना है तो यू कैन यू अपलोड द फाइल। तो यहाँ पे आपको सैम्पल फाइल मिल जाएगी और वो सैम्पल फाइल डाउनलोड करके आप उसके अंदर डेटा डाल के इसको अपलोड कर सकते हैं। जो भी आपकी रिकॉर्डिंग्स हैं, जो भी आपकी वॉइस क्लिप है, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है अनाउंसमेंट के अंदर। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वॉइस कॉल अनाउंसमेंट का ऑप्शन आएगा। आपका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपको MP3 और वेब फाइल में ही इससे वेब फाइल से जो फॉर्मेट होते हैं वही वाली फाइल यहाँ पे आपको अलाउड है, ठीक है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पूरे पैनल को मैनेज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट तो आप अपने अकाउंट मैनेजर से बात कर सकते हैं।